भोपाल में 165 करोड़ की लागत से बने नए वल्लभ भवन के उद्घाटन की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। हुआ यह है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने कार्यकाल में 165 करोड़ की लागत से नया वल्लभ भवन का भवन बनवाया गया था और इसमें जो मुख्यमंत्री कक्ष की सजावट की गई थी उसे लेकर उनकी श्रीमती जी यानी साधना सिंह खुश नहीं थी। उनका यह कहना था कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसमें परिवर्तन होता उसके पहले आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बाद यह मान के चला जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अगर जीतेंगे तो उनके हाथों ही इस भवन का उद्घाटन होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस बार कांग्रेस चुनाव में जीत गई और कमलनाथ ने इस नए भवन का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर जैसे ही शपथ ली वैसे ही पहला कार्यक्रम नए वल्लभ भवन के उद्घाटन का किया और सभी लोगों का यह कहना था कि इसका उद्घाटन तो कमलनाथ के हाथ से ही लिखा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करते और इसमें कुछ परिवर्तन करते उनके कक्ष में इसके पहले ही आचार संहिता लग गई और अंततः नए वल्लभ भवन का उद्घाटन का बेड़ा कमलनाथ को ही उठाना पड़ा और वे आज मुख्यमंत्री बनते ही इस भवन के उद्घाटन के लिए तुरंत ही पहुंच गए।